हम गुरु की याद केवल एक दिन करें और बाकी दिन भूल जाएं, तब तो केवल भटकाव ही भटकाव जीवन में रह जाएगा। हमारे मानव जीवन में गुरु की क्या महत्ता है और क्या आवश्यकता उपयोगिता है, इस संदर्भ में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ मालूम है। और संतों गुरुजनों द्वारा विभिन्न जगहों में आयोजित कार्यक्रमों में इस संदर्भ में बहुत कुछ सुना जा चुका है। गुरु कौन कहा गया है? अज्ञान अंधकारस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार में जो ज्ञान की शलाका जला दे वे गुरु हैं। प्रार्थना की गई है तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सदगमय मृत्योर मां अमृतम गमय। मुझे अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चले और मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। तो जो हमें अज्ञान से अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाता है या जाने की प्रेरणा देता है, असत्य से हटाकर सत्य का संदेश देता है और मृत्यु का भय मिटाकर अमरता का ज्ञान देता है, वो हमारा गुरु होता है। गुरु की महिमा में कहा गया है, और गुरु नहीं सद्गुरु की महिमा में, वैसे जो हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं वो गुरु पूर्णिमा है नहीं, लेकिन रूढ़ है गुरु पूर्णिमा के नाम से। वस्तुतः जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं वह सद्गुरु पूर्णिमा है। वैसे गुरु और सद्गुरु दोनों का एक अर्थ होता है और दोनों के अर्थों में जमीन आसमान का अंतर होता है। गुरु अनेक है, असंख्य, किंतु सद्गुरु एक होता है। जिन्होंने जिन जिन लोगों ने हमें कुछ भी सिखाया, जिस किसी व्यक्ति से, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे विद्वान हो, चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो, चाहे भिखारी हो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी से किसी बात की थोड़ी भी प्रेरणा मिली तो उस बात के लिए वह हमारा गुरु हो जाता है। प्राइमरी से लेकर के आगे तक की जो पढ़ाई होती है, किन किन गुरुओं ने पढ़ाया होगा? अनेक गुरु। और उन जिन लोगों ने पढ़ाया हमें उन गुरुओं का नाम भी मालूम नहीं है। और एक नहीं, किसी ने हिंदी पढ़ाया, किसी ने अंग्रेजी, किसी ने गणित, किसी ने विज्ञान, किसी ने भूगोल, किसी ने समाजशास्त्र, किसी ने इतिहास, किसी ने और कोई भाषा पढ़ाया। अब कितने गुरु हुए होंगे? तो जिन जिन लोगों ने हमें किसी भी विषय का ज्ञान दिया
वे हमारे गुरु हैं। इसके अलावा कितनी पुस्तकें हमने पढ़ी होगी, सैकड़ों पुस्तकें हमने अब तक पढ़ डाली होगी। उन पुस्तकों के जितने भी लेखक हैं, ज्ञात अज्ञात, वे सभी हमारे गुरु हैं, क्योंकि हर पुस्तक से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिला है, हर पुस्तक से हमें प्रेरणा मिली है, हम जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए गुरु असंख्य है, हम गणना नहीं कर सकते। और आगे जब तक जीवन रहेगा तब तक और गुरु मिलते रहेंगे। हमें कहीं जाना है, रास्ता चल रहे हैं, थोड़ी दूर आगे गए तो देखा हमने कि रास्ता तीन तरफ को गया हुआ, तीन तरफ सड़क गई हुई है। हम भ्रम में पड़ गए कि जहाँ हमें जाना है उस तरफ का रास्ता कौन है, इन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता हमें वहाँ तक पहुँचाएगा। इतने में कोई व्यक्ति आ गया, हमने उनसे कहा भैया मुझे अमुक जगह जाना है, किस रास्ते से जाऊं? उसने कहा आप इस रास्ते से जाइए, वहाँ का गुरु हो गया ना, वो रास्ता ना बताता तो कहाँ कहाँ हम भटकते, चलते तो, लेकिन हमारा चलना हमें मंजिल तक पहुंचाता नहीं। इसलिए अब तक का जो जीवन व्यतीत हुआ है उसमें असंख्य गुरुओं से हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिला है, और जब तक जीवन रहेगा तब तक अनेक गुरु मिलते रहेंगे, और जब तक जीवन तब तक हम अनेक किताबें पढ़ लेंगे, उन सभी किताबों के लेखक हमारे गुरु हुए। इसलिए गुरु अनेक हैं, उन सभी गुरुओं का उपकार हमारे जीवन में है, और उन सभी के लिए हमें अंदर हृदय से आभारी होने की आवश्यकता है। किंतु सद्गुरु एक होता है। सद्गुरु कौन? जिनके उपदेश से, जिनके ज्ञान से हमारे मन की सारी भ्रांतियां दूर हो जाए, भीतर का विवेक उद्घाटित हो जाए और अपने आत्मा का निर्भ्रांत बोध प्राप्त हो जाए। जिस गुरु के ज्ञान से दुखों से छुटकारा पाकर परमानंद की अनुभूति हो, वो सद्गुरु होता है, और उसी की स्मृति में, उसी के प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है। इसलिए मैंने कहा कि गुरु पूर्णिमा नहीं है, ये सद्गुरु पूर्णिमा है। सद्गुरु का क्या उपकार है हमारे जीवन में? कबीर साहब की साखी याद होगी, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु की महिमा अनंत है। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, जिसकी कभी समाप्ति ना हो, वो अनंत होता है। तो गुरु की महिमा, सद्गुरु की महिमा अनंत है। क्यों? सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन पर अनंत उपकार किया। इस उपकार को समझने के लिए संत गुरुजन एक उदाहरण दिया करते हैं, उदाहरण आपको मालूम होगा, मैं पुनः उसे रिपीट कर देता हूं। मान लो कोई व्यक्ति ने किसी
प्रकार का कोई अपराध किया, पकड़ा गया, आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो गई उसको। जेल में बंद है, फांसी सजा हुई है लेकिन अभी फांसी की तिथि तय नहीं हुई है, या आजीवन कारावास में तो जीवन भर जेल में रहना ही है। दो चार साल बीत गए रहते रहते कोई एक व्यक्ति गया, उसे पूछा तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है, क्या चाहिए? कहा तकलीफ तो बहुत है लेकिन यहाँ पर खाने पीने का बराबर प्रबंध नहीं है, बहुत घटिया भोजन मिलता है, आप भोजन सुधार करवा दें तो बड़ी कृपा होगी। कोई बात नहीं, गया पहुँच वाला आदमी था, भोजन में सुधार हो गया, ताज़ा भोजन और अच्छी क्वालिटी का भोजन मिलने लग गया, एक उपकार हुआ। कुछ दिनों पश्चात एक दूसरा व्यक्ति गया, उसने पूछा क्योंकि तकलीफ तो यहाँ तुम्हें नहीं है कि तकलीफ क्या, जेल में तो तकलीफ ही तकलीफ रहती है, लेकिन आप उन्होंने कहा कोई ऐसी तकलीफ बताओ जिसे हम दूर कर सकें। कहा कि हम मच्छर बहुत लगते हैं, यहाँ मच्छरदानी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा ठीक, वो गया और सभी कैदियों के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था कर दे, उपकार हुआ। कुछ दिनों पश्चात एक तीसरा व्यक्ति गया, उसने पूछा कि क्या तकलीफ है? कहा तकलीफ क्या है कि कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बुखार जुकाम या कुछ हो जाता है, डॉक्टर का प्रबंध तो है लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं आ पाते, ठीक से इलाज नहीं हो पाता, आप किसी अच्छे डॉक्टर का प्रबंध करवा दें ताकि हम लोगों का अच्छे से इलाज हो जाए। उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था करवा दी, अच्छा इलाज होने लगा, उपकार हुआ। कुछ दिनों के पश्चात एक और व्यक्ति गया और उन्होंने उसकी फांसी या आजीवन कारावास की सजा को ही मिटा दिया, तो उपकार किसका हुआ ज्यादा? जिन्होंने सजा को ही मिटा खत्म करवा दिया उपकार तो उसका हुआ ना। सद्गुरु का उपकार यही होता है, अनंत किया उपकार इसलिए होता है। सद्गुरु के ज्ञान का यदि हम आचरण कर सकें, जीवन में उतार सकें, तो सदा सदा के लिए हमें दुखों से छुटकारा मिल सकता है, इसलिए उसका उपकार अनंत। लोचन अनंत उघारिया, सद्गुरु क्या करते हैं, हमारे लोचन आँख को उघार देते हैं। कौन सी आँख? हमारी बाहर की जो आँखें हैं, जो चाम की आँखें चर्मचक्षु हैं, वे तो खुले हुए हैं, बंद है भीतर के चक्षु, ज्ञान चक्षु, विवेक चक्षु। उस विवेक चक्षु में जो पर्दा है, गुरु सदगुरु उस पर्दा हटाकर हमारी आंखों का जो माड़ा था हटा देता है, एकदम साफ दिखने लग गया कि क्या गलत, क्या सही, क्या अपना, क्या पराया, क्या बंधन का कारण, क्या मोक्ष का कारण। और अनंत दिखावनहार, अनंत जो आत्मा है जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है। अभी तक हम समझते थे कि एड़ी से चोटी तक ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है वही मैं हूं, किंतु गुरु ने कहा तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो मिट्टी पानी आग हवा आदि से बन गया है, एक दिन शरीर नहीं था, इसका जन्म हुआ है और एक दिन शरीर की मौत हो जाएगी, और शरीर फिर खोजने में भी नहीं मिलेगा, कितना भी खोजो, कितना भी खोजो, ज्यादा दिन नहीं,
आज से 2-4 महीना पहले आपके गांव में जहाँ जहाँ से आप लोग आए हैं वहाँ किसी की मौत हो गई होगी, आज उनका शरीर मिलेगा आपको? कोई उपाय है वो शरीर को वापस लाने का? चला गया। लेकिन तो हम माने बैठे थे अब तक कि हम शरीर हैं, शरीर तक ही हमारी अवधि है, किंतु गुरु कहते तुम शरीर नहीं हो। शरीर में रहते हुए भी तुम शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हो, वो अनंत है। तो अनंत जो आत्म तत्व है उसे आप परमात्म तत्व कह सकते हो, उसका भेद बता दे, उसका साक्षात करवा देते हैं सद्गुरु। इसलिए कहा गया कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उनका। दुखी तो हर आदमी है, मैंने पहले कहा था, अज्ञान अंधकारस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान अंधकार में ज्ञान की शलाका जला दे, ज्ञान का प्रकाश कर दे, वे गुरु है, सदगुरु है। गुरु का अर्थ ही होता है ज्ञानदाता। अज्ञान और ज्ञान में अंतर इतना ही है, अज्ञान अंधकार तुल्य है और ज्ञान प्रकाश तुल्य है। हर आदमी अज्ञान में भटक रहा है और हर आदमी अज्ञान में डूबा हुआ है। यद्यपि किसी को कह दिया जाए कि तुम अज्ञानी हो, स्वीकार नहीं करेगा कोई आदमी। हमें आपको ही कह दे कि तुम अज्ञानी हो, हमारा मन स्वीकार करेगा? और कोई अज्ञानी कह दे तो हम तुरंत रिएक्शन में पड़ जाएंगे, एकदम क्रोध में आ जाएंगे कि तुमने मुझे अज्ञानी कैसे कह दिया, मैं इतना पढ़ा लिखा, ऐसी ऐसी डिग्रियां मेरे पास, ऐसी विद्वता मेरे पास, मैं इतने दिन का भगत हूँ, इतने दिन का सत्संगी हूँ, इतना मैं बड़ा पुजारी हूँ, और मैं 30-40 साल का साधु, और तुम मुझे कहते हो अज्ञानी? आदमी गुस्से में आ जाएगा, स्वीकार नहीं करेगा कि मैं अज्ञानी हूँ। और एक गुस्सा में आना अज्ञानी होने का लक्षण है, समझ लेना। किसी ने कहा कि बाबा आप बड़े अज्ञानी हैं, और गुस्सा आ गया तो सिद्ध कर दे हाँ सचमुच अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी को गुस्सा आएगा। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क इतना ही है, कितना पढ़ा लिखा है यह फर्क नहीं होगा। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी हो सकता है, और जिसके पास तमाम डिग्रियां हो वह आदमी भी अज्ञानी हो सकता है। यदि बात बात में क्रोध करता है, ये क्रोध आना अज्ञानी होने का लक्षण है, और क्रोध ना आना, शांत हो जाना, ये ज्ञानी होने का लक्षण है। तो अज्ञानी वह है जो क्रोध करता है, ज्ञानी वह है जो शांत रहता है, अज्ञानी वह है जिसके मन में बड़ा लोभ है, खाने पीने का लोभ, देखने सुनने का लोभ, पैसा का लोभ, पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, तमाम लोभ, जिसके मन में लोभ है वो अज्ञानी, और जिसके मन में लोभ नहीं होता है वो ज्ञानी। और सब हटा दो, ज्ञानी और अज्ञानी की सीधी सी पहचान, जो दुखी होता है वो अज्ञानी, जो दुखी नहीं होता वो ज्ञानी। अब सोचें कि मैं दुखी होता हूं या नहीं होता, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने अपमान कर दिया, पैसे का घाटा हो गया, कुछ और हो गया, और यदि दुखी नहीं होते हो तो समझना जीवन में ज्ञान आ गया है, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी बात को लेकर के दुखी हुए तो
तो समझना होगा कि मैं अज्ञानी हूँ। कितना जानते हो, कितना पढ़े लिखे हो, एक काम नहीं आएगा। मन का दुखी होते रहना, भीतर अज्ञान होने की पहचान, अज्ञान होने का लक्षण। तो हर व्यक्ति के भीतर अज्ञान है, किंतु अपने अज्ञान को समझना बड़ा कठिन है। और अपने अज्ञान को जो समझ लेता है, मैं अज्ञानी हूँ, अंदर से जो स्वीकार कर लेता है, एक तो होता है शिष्टाचारवश, तो शिष्टाचारवश स्वीकार करना अलग है, भीतर से स्वीकार कर लेना हाँ सचमुच में मैं अज्ञानी हूँ। कहा जाता है सुकरात से, पूछा गया क्या आप ज्ञानी हैं, सुकरात ने कहा हाँ मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं अपने अज्ञान को जानता हूँ। अपने अज्ञान को समझना भक्ति, धर्म, सत्संग, पूजा का फल होना चाहिए। बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़ने वाले लोग भी अपने ज्ञान को नहीं जान पाते। अपय दीक्षित एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं संस्कृत साहित्य के, अनेक पुस्तकें उनकी हैं, उच्च कोटि की पुस्तकें हैं। उन्होंने कहा है नीतिज्ञ, नीतिज्ञ विदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ, ब्रह्मज्ञ अपि लभ्य स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। नीति के जानने वाले, नियत ज्योतिष के जानने वाले, वेदज्ञ अपि भवन्ति शास्त्रज्ञ, वेदों जानने वाले, वे शास्त्र के ज्ञाता, और यहाँ तक ब्रह्म को जानने वाले भी दुनिया में बहुत मिलते हैं, किंतु स्वज्ञान ज्ञान बिरला, अपने अज्ञान को जानने वाला बिरला होता है। जो हमें हमारे अज्ञान का बोध करा दे, हमारे अज्ञान का पता दे दे, और अज्ञान हमें ज्ञान की ओर ले जाए, वही तो गुरु है, उसी को हम सद्गुरु कह सकते हैं। और ऐसे गुरु का क्या उपकार होगा, सहज समझा जा सकता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु न मिले होते तो कहां कहां हम भटकते होते, किस किस दुर्गति में पड़े होते। थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करें तो पता चल जाएगा। इसलिए गुरु की महिमा है। मैंने कहा कि जिस किसी ने हमें कुछ सिखाया वो सब गुरु हैं, और सभी गुरुओं का उपकार हमारे ऊपर है, सभी गुरुओं का हमें आदर करना चाहिए। कुछ तो उन्होंने सिखाया। सदैव विनयावनत होने की आवश्यकता है, झुक करके चलने की आवश्यकता है। और जीवन भर जिज्ञासु बने रहने की आवश्यकता है। जिज्ञासु का मतलब होता है ज्ञान की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा और जिज्ञासु। जिज्ञासा का अर्थ होता है ज्ञान की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, सीखने की इच्छा, समझने की इच्छा, ये जिज्ञासा है। और जो सीखना चाहता है वो जिज्ञासु है। और सीखने के लिए आवश्यक है विनम्रता, समर्पण भाव, भीतर से एकदम खाली हो जाना।
बिना समर्पण के कुछ पाया नहीं जा सकता। अक्सर ये बात कही जाती है और हकीकत है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जब कहा, अर्जुन ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, और इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर और कोई वस्तु पवित्र नहीं, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र में ही विद्यते। दुनिया में ज्ञान से बढ़कर पवित्र और कुछ भी नहीं है, और बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होगी। जब कृष्ण ने श्री कृष्ण ने बार बार ऐसा कहा तो अर्जुन ने कहा, महाराज अब ज्ञान की इतनी प्रशंसा करते हैं तो ज्ञान पाने के लिए क्या करना होगा और किसके पास जाना होगा। तो श्री कृष्ण ज्ञान पाने के लिए तीन शर्तें बताते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इन तीनों शर्तों में पहली शर्त है प्रणिपात, सरेंडर कर देना अपने आप को, समर्पित। और समर्पण के लिए आवश्यक है अहंकार कामना स्वार्थ का त्याग। अहंकारी आदमी समर्पित नहीं हो सकता क्योंकि झुकना ही नहीं जानता। अहंकारी तो दूसरों को झुकाना जानता है, झुकना नहीं जानता। सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा रोड़ा और दुख का कारण अहंकार। एक अहंकार मिट गया तो समझ लें बहुत बड़ी बाधा आप हम पार कर लिए, फिर तो स्वार्थ है, कामना है। भीतर से अपने को खाली करना, गुरु का ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश क्यों नहीं करता, क्योंकि भीतर तो लबालब भरा हुआ है। और जो भरा है निरर्थक, किंतु हमने उसको सार्थक मान लिया है। और जब हम निरर्थक वस्तु को सार्थक मान लिए तो आगे की हमारी खोज और आगे की यात्रा दोनों बंद। जो व्यक्ति कांच को हीरा मान ले और पक्का विश्वास कर ले कि मेरे पास असली हीरा है, वो जीवन में कभी असली हीरे को पहचानने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें कांच को हीरा मान लिया है। और वो व्यक्ति अपने हीरे की परख भी नहीं करवाना चाहेगा, छिपा करके रखेगा। ऐसे ही निरर्थक को जब सार्थक मान लिया गया तो फिर सार्थक की यात्रा समाप्त। और निरर्थक क्या है सोचें कि मेरे भीतर निरर्थक क्या है। जिस खान पान से, जिस बात व्यवहार से, जिस कर्म और आचरण से, जिस चिंतन से, जिस भावना से मन चंचल होता हो, दुखी पीड़ित और चिंतित होता हो, वो सब के सब निरर्थक है। वही तो भरा है ना भीतर में। यदि ज्ञान भरा होता, दया क्षमा सत धीर विवेक विचार भरे होते, सकारात्मकता भरी होती, आत्मबोध भरा होता, तो जिस प्रकार दुखों में आज जीवन जी रहे हैं वो दुखी क्यों होते। यदि किसी भी बात को लेकर के
मन में तनाव है, चिंता है, पीड़ा है, तो समझ लेना होगा मेरे भीतर बेकार वस्तुएं भरी हुई है। ये तो परिणाम है ना, शरीर में जितना विकार बढ़ता है बुखार उतना तेज होता है, विकार जितना बाहर निकल जाता है बुखार धीरे धीरे घटता चला जाता है। ऐसे ही ये चिंता, दुख, तनाव एक बुखार का लक्षण है, भीतर में कुछ सड़ रहा है लेकिन पता ही नहीं है हमको, जिंदगी बीत जाती है। इस सड़न का तो ज्ञान करा दें, भीतर जो निरर्थक वस्तु में सड़ रही है तो वो निरर्थक वस्तुएं कौन कौन सी है जिसके कारण हमारा मन पीड़ित और बीमार रहता है, इसका जो ज्ञान करा दे वही तो गुरु है। अब ऐसे गुरु का क्या उपकार होगा, इसकी क्या महिमा है, सब समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे गुरु के पास हम जाना भी नहीं चाहते। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ज्ञान पाना चाहते हो ना तो प्रणिपातेन, प्रणिपात एकदम अपने आप को सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर सरेंडर करना होगा, आधा तिहाई नहीं, कुछ अपना नहीं मानना, मैं अपने को कुछ नहीं मानता, मैं एक सामान्य आदमी हूं। जब तक ये भाव समझ में नहीं आएगा, मन में ये भाव नहीं आएगा, तब तक हम सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और सही ज्ञान नहीं मिलेगा तो कर्म आचरण विहार में सुधार होगा ही नहीं। जैसा जीवन बीत रहा है दुखों में वैसे जीवन बीत जाएगा, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वह जो हमें लघु से गुरु बना दे, गुरु कौन जो हमारे भीतर के गुरु को जागृत कर दे। दो चीजें होती है, जब कोई व्यक्ति किसी गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए जाता है, शिष्य बनने के लिए जाता है, तब गुरु उस व्यक्ति को दीक्षा देकर शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। अब गुरु बनाने का अर्थ इसका मतलब क्या है, मतलब महान बनाना, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है बड़ा। गुरु का एक अर्थ होता है पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला, लेकिन गुरु का मुख्य अर्थ है वजनदार, बड़ा, श्रेष्ठ। किसमें? ज्ञान में, त्याग में, आचरण में। और गुरु ये बताते हैं बेटा जो मैं हूं वो तू है, मुझमें और तुझमें कोई अंतर नहीं है, जो अंतर है वो औपाधिक है। औपाधिक मतलब शरीर भेद से है। तो यदि हम गुरु ज्ञान को ग्रहण कर सकें तो हम भी गुरु जैसा बन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति भीतर गुरु बैठा हुआ है। इसलिए कहा गया पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे ये कर ले आप समान। पारस पत्थर को उदाहरण बहुत दिया जाता है, यद्यपि दुनिया में कहीं भी पारस पत्थर है नहीं, कल्पना है, कल्प वृक्ष, पारस पत्थर, कामधेनु, ऐसी कुछ जो चीजें हैं केवल कल्पना है, किताबों में लिखा है बस, महात्मा लोग दोहराज भले रहे हैं,
लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती, अधूरी की अधूरी रह जाती है, तो अपनी इन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मनुष्यों ने कल्पना में कुछ ऐसी चीजों को गढ़ लिया है जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर दे। ऐसा एक पेड़ की कल्पना कर लिया गया जिसकी छाया में जाओ, जिसके नीचे बैठो और जो सोचो तुरंत हाजिर। ऐसा कोई पेड़ तो दुनिया में है नहीं। कामधेनु गाय, ये हो सकता है कि कुछ गाय ऐसी होती है कि जिन्हें आप दिन में 2 बार 4 बार 6 बार भी दूध सकते हो, है ऐसी गाय। लेकिन कामधेनु गाय का मतलब आप पढ़ो वाल्मीकि रामायण को देख करके, वो कामधेनु गाय से कि सिंह से सिपाही निकल गया तो वो निकल गया, खुर से निकल गया इतना निकल गया उतना निकल गया। गाय के खुर से सिंह से कहीं सिपाही निकलेगा, योद्धा निकलेगा धनुष बाण लेकर के? या फिर विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित वशिष्ठ के आश्रम में गए। वशिष्ठ ने कहा ठीक है, स्वागत किया, तो कामधेनु गाय ने बढ़िया 56 व्यंजन और ये पलंग और गद्दा सब निकाल कर दे दिया। पढ़ने बड़ा मजा आता है, लेकिन है नहीं ऐसा। और यहीं से वशिष्ठ और विश्वामित्र में लड़ाई शुरू होती है। बहुत तगड़ी लड़ाई है वशिष्ठ और विश्वामित्र में। ऋग्वेद से लड़ करके वाल्मीकि रामायण तक ये लड़ाई चलती है। आप ऋग्वेद में पढ़ें, इतनी लंबी लड़ाई है वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में, ये क्या कहा जाए। और वाल्मीकि रामायण में तो एकदम और खुल के आया ही है। तो मैं ये कह रहा था पारद पत्थर कहीं है नहीं। लेकिन कहा जाता है एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें छू लेने मात्र से लोहा सोना बन जाता है। किंतु ध्यान दें, पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा मात्र सोना बनता है, पारस नहीं बनता। तो जो सोना लोहा बना हुआ है उससे आप किसी और को छुआ दे अन्य लोहा का, तो सोना नहीं बनेगा। लेकिन गुरु क्या करते हैं, शिष्य को पारस बना देते हैं, अपने समान बना देते हैं। लेकिन शिष्य में पात्रता तो होनी चाहिए और समर्पण भाव। ये अंतर होता है पारस में और गुरु में। पारस से भी बड़ा है गुरु, क्योंकि पारस सिर्फ सोना बनाएगा और गुरु अपने समान गुरु बना देगा। अब गुरु कैसे बनेगा? हमें गुरु मिल चुके हैं, हम गुरु के शिष्य हैं, क्योंकि हम गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्र हुए हैं और चर्चा गुरु पर चल रही है। और हर व्यक्ति या जो यहाँ बैठे हुए हैं किसी न किसी गुरु से जुड़े हुए हैं। तो हम अपने गुरु के शिष्य हैं, हम गुरु के शिष्य कहलाने के अधिकारी हैं। प्रमाण क्या है भाई? किस दृष्टि से कह सकते हैं कि मैं अपने गुरु का शिष्य हो चुका हूँ? कोई कसौटी होगी ना। सद्गुरु कबीर कसौटी देते हैं, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। गुरु मिल गए हैं ये तब समझना कि मैं गुरु का शिष्य हो चुका हूं, ये तब समझना जब तुम्हारे मन का मोह मिट जाए। प्रेम मिटने की बात नहीं कही जा रही है, मोह मिटने की बात कही जा रही है।
और तत्काल प्रश्न होता है कि यदि मोह मिट जाए, मोह छोड़ दें, तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, खेती गृहस्थी घर गृहस्थी का काम कैसे चलेगा, परिवार का पालन पोषण खेती घर गृहस्थी का काम मेहनत करने से होगा, मोह करने से नहीं होगा। आज तक दुनिया के किसी संत ने ये नहीं कहा कि तुम अपना काम धाम करना छोड़ दो, या जिन लोगों के प्रति जिम्मेदारी है जिम्मेदारी निभाना छोड़ दो, कर्तव्य करना छोड़ दो। सभी ने कर्म करने की राय दी है, सभी ने। तो आप मेहनत करें, लोगों से प्रेम का, सेवा का, आदर का, सम्मान का व्यवहार करें। जितना मोह छोड़ेंगे, सबके लिए प्रेम भाव होगा, सेवा भाव होगा, आदर सम्मान का भाव होगा, त्याग भाव होगा, समर्पण भाव होगा, उतना आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। याद रखना, कुछ करना नहीं होगा। मोह में संकुचितता, जो कुछ थोड़े एक दो व्यक्ति के लिए खास हो वो मोह, और जो सबके लिए बराबर हो प्रेम। और मानस की पंक्ति तो याद होगी आपको, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो मोह मिटे, प्रेम मिटने की बात नहीं। कबीर साहब तो कहते हैं ही ढाया कर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम रखना है, आदर सम्मान सेवा, किंतु मोह का मतलब है किसी एक दो व्यक्ति से मन का चिपक जाना, और ऐसा चिपकना कि छूटे छूट ना पाए। उदाहरण सब जानते हैं, समझानी दृष्टि से मैं कह रहा हूं, खंडन दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। राजा दशरथ के चार बेटे हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और चारों अपने आप में योग्य हैं, कोई कमी चारों में नहीं है। लेकिन दशरथ का सबसे अधिक मोह राम के लिए, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीन रानियां हैं, ये तीन रानी प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा 350 रानी और है दशरथ दशरथ की, ये वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ेंगे पता चल जाएगा आपको, ये भी दुर्भाग्य ही है। अनेक राजा हुए हमारे देश में जिनके कितने कितने रानियां हुई है, उनका उन रानियों का जीवन तो नरक हो जाता रहा होगा। अरे किसी इस पुरुष के दो पत्नी हो जाती, कितना छोटा हो जाए, जहां 350 रानी है वहां पर क्या हाल रहा होगा। खैर, तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ये तीन रानी, तीनों में किससे मोह, कैकेयी से। और प्राण पीड़ा कहां से मिले, कैकेयी और राम से। रामायण के अनुसार कैकेयी को भवन में चली गई, ठीक है राम, ठीक है बैठे रहने दो, उसका मन होगा तो खाना होगा तो खाएगी, भूख लगती ना 2 दिन पचा तो कैकेयी ढोंग करके खाती मांग करके। लेकिन इतना मोह, इतना मोह कि जैसे सुने प्राण सूख गया दशरथ का, यह मोह का परिणाम। दूसरी तरफ राम का वनवास, इतना मोह हुआ कि कुछ घंटे में प्राण छूट गया, ये मोह है जो चिपका है। कैकेयी ने क्या शर्त रखी थी, 14 साल के लिए राम का वनवास और भरत का राजतिलक, इतनी शर्त है ना। ये तो नहीं कहा था दशरथ दशरथ को कि तुम राम से मिलो मत, राम वनवास में है, जंगल दशरथ का जब मन होता रथ में बैठते राम के मिलकर जंगल में आ गए होते, क्या फर्क पड़ता। लेकिन 1 घंटे का भी मोह नहीं छोड़ पाया ना, यह है मोह। उदाहरण बहुत ज्यादा है, बड़े लोगों को उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि ताकि हमें जब लगेगा कि इतने बड़े बड़े कहलाने वाले लोग जब मोह की में ये परिणाम भोगे तो क्या होगा। दुर्योधन का लोभ राज्य के लिए परिणाम क्या हुआ, विनाश, अपना अपने
पूरे कौरव वंश का और सारी सेना का। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि गुरु के शिष्य हो गए हो, तुम्हें गुरु का ज्ञान तुम्हारे भीतर उतर गया है, ये तब समझना जब तुम्हारे मन का मोह मिट करके प्रेम समता आदर का भाव हो। हम सबकी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मन में सबके लिए भावना तो शुद्ध रख सकते हैं ना। प्रेम सबसे नहीं कर सकते, बैर मत करो, अपने आप प्रेम हो जाएगा। किसी को तकलीफ मत दो, सेवा अपने आप हो जाएगी। फिर संताप, मन की पीड़ा मिटे, मैं गुरु का शिष्य हूं ये तब समझना जब मन में कोई पीड़ा ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कितना भयंकर अपमान हो जाए फिर भी मन में पीड़ा ना हो, ये कसौटी है। और यही में जीवन की उन्नत, जीवन की पूर्णता है। और गुरु ज्ञान की आवश्यकता इसी के लिए होती है। धन से नहीं होगा, ये विद्या से नहीं होगा, पद से नहीं होगा, प्रतिष्ठा से नहीं होगा। सच्चा ज्ञान जब मिलेगा और ज्ञान जीवन में उतर जाएगा आत्म रूप में, तब दशा आएगी। और ये केवल कहावत नहीं है, प्रयोग करके कोई भी इसका अनुभव कर सकता है। हर शोक व्यापे नहीं तब गुरु आप्या, और जब हर्ष और शोक मन में ना हो, दोनों से ऊपर, हर्ष से भी ऊपर, शोक से भी ऊपर। मुनाफा हो गया, उछलने लग गए, याद रखो मुनाफा होने पर, सम्मान मिलने पर, प्रशंसा मिलने पर जितना उछलोगे, जितना हंसोगे, घाटा होने पर, अपमान होने पर, निंदा होने पर उतना ही रोओगे। नियम है, एक्शन के रिएक्शन होना ही है। निंदा भीतर से पीड़ित ना करे, निंदा मिलने पर दुख ना हो, यदि ये चाहते हैं तो प्रशंसा पाने पर उछलना बंद कर दीजिए। घाटा हो जाने पर कोई दुख ना हो मन में, तो मुनाफा होने पर अहंकार करना और खुशी जताना बंद कर दीजिए। और भयंकर से भयंकर अपमान हो जाए, मन में दुख ना हो, यदि चाहते हैं तो सम्मान होने पर खुश होना बंद कर दीजिए। और जब तक सम्मान मिलने पर हंसते रहोगे, अपमान मिलने पर जिंदगी भर रोते रहोगे, और मुनाफा होने पर हंसते रहोगे तो थोड़ी थोड़ी घाटा में जीवन भर रोते रह जाओगे। बड़ी साधारण सी बात है, बड़ा इतना गणित का सूत्र जैसे सूत्र होता है गणित का, महेश का सूत्र याद है आपको तो बड़ी सरलता से कठिन प्रश्न को आप हल कर सकते हो। ऐसे ही उससे भी सरल सूत्र है, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए तब। तो हर शोक व्यापे नहीं तब गुरु आते आप, जब मन में हर्ष और शोक के द्वंद आंदोलित न करने पाए मन को, तब भीतर का गुरु जग गया, फिर तो व्यक्ति खुद गुरु बन गया। गुरु, हम गुरु के शिष्य हो गए ये तब समझना होगा कि मन का मोह मिटे और पीड़ा मिटे। और भीतर गुरु जग गया मतलब हर हाल में, किसकी शादी किसका गम, हु अल्लाहु दम पर दम कहा गया है। किसकी शादी, शादी मतलब प्रसन्नता, शादी का अर्थ होता है विवाह, लेकिन शादी का अर्थ विवाह नहीं होता, शादी का अर्थ होता है खुशी। अब विवाह होता है लोगों को तो खुशी मनाते ही हैं, इसलिए विवाह को भी शादी कह दिया जाता है। शादी उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता, आनंद। यहाँ कहने वाला कहता है किसकी शादी किसका गम, किस बात की खुशी किस बात का गम, हु अल्लाहु दम पर दम। यहाँ तो गुरु का ज्ञान भीतर में प्रवेश है, वही हुआ तब तो सब सुख मिट गया ना। ऐसा यदि हो जाए ना तो समझना कि गुरु भक्ति सार्थक होगी, गुरु के स्मरण करना सार्थक। इसी बात को प्रेरणा पाने के लिए साल में एक दिन एक तिथि निर्धारित की गई,
कि किसी गुरु से जुड़े हुए जो लोग हैं गुरु भाई एक जगह एकत्र हों, गुरु के उपकार को स्मरण करें, गुरु प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और साथ साथ गुरु माँ के बताए रास्ते पर चलते चलते भूल हो जाती है, भ्रम हो जाता है, भटक जाते हैं, तो ये भूल भटका मिल करके फिर हम सही रास्ते पर चलने लग जाएं। इसी के लिए एक दिन आज तिथि निर्धारित की गई। भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरा संसार में कहीं चले जाओ भूलने भटकने के चांस बहुत ज्यादा है। ठोकर लगनी चाहिए, कोई समझाने वाला मिल जाए, कोई जगाने वाला मिल जाए, बस हो गया। तो जो हमें सोते से जगा दे, गुरु शिष्य मंत्र इतना होता है, जो सोया हुआ है वो शिष्य और जो जाग गया है दूसरों जगा रहा है वो गुरु। तेर रात्रि में सोने वाले, रात्रि में जो हम सोते हैं उसकी बात नहीं है, अज्ञान की नींद में जो सोए हुए हैं, माया मोह की नींद में सोए हुए हैं, इस अज्ञान की नींद से जो जगा दे वो गुरु। क्योंकि गुरु मतलब ही होता है, गुरु का अर्थ ही होता है जागा हुआ। और नियम क्या है, हजार हजार व्यक्ति, मान लो हजार व्यक्ति एक जगह सोए हुए हों, तो हजार सोए हुए व्यक्ति में कोई किसी भी जगह पाएगा, सब तो सो ही रहे हैं ना, लेकिन एक जगह हुआ व्यक्ति हजारों सोए हुए को जगा सकता, हजारों सोया व्यक्ति एक व्यक्ति को नहीं जगा सकता, लेकिन एक जगह व्यक्ति हजारों सोए हुए को जगा देता है। तो गुरु का काम यही है, स्वयं जागना और दूसरों को जगाने के लिए प्रेरणा देना। और जाग गए मतलब उठ जाग मुसाफिर भोर भई अमरैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जागने मतलब है खोना, और नहीं सोने का मतलब है खोना, और जागने मतलब है पाना। सोए सो तो आज तक जिंदगी बीत गई ना, अब तो नींद टूटनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ें, जहाँ रह रहे हैं अपना कुछ काम करें, सेवा करें, लेकिन धीरे 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 अपने को ऊपर उठाते चले जाएं। और रोज़ मांझे कि कल की अपेक्षा आज मेरा दुख कितना घटा, कल की अपेक्षा आज मेरा लोभ कितना घटा, कल की अपेक्षा आज मेरा क्रोध कितना दूर हुआ। जैसे एक व्यापारी रोज अपनी खरीद बिक्री का हिसाब लगाता है, कितने की खरीद हुई, कितने की बिक्री हुई, कितना डेबिट में गया, कितना क्रेडिट में गया, कितना उधार में, कितना नगद में आया, कितना लाभ हुआ मुनाफा हुआ। ऐसे ही हमें भी जीवन भर व्यापारी बनना है अपने जीवन के लिए, कि कितने दुर्गुण दूर हुए, कितने सद्गुण बढ़े, कितना सुख बढ़ा, के दुख कितना घटा। इस प्रकार से यदि हम हिसाब लगाते रह जाएं रोज रोज, तो सचमुच में भीतर का गुरु जग जाएगा। अब भीतर का गुरु जग गया और भीतर पूर्ण आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि का अनुभव हो गया, तो गुरु पुण्य मनाना सार्थक हो गया। इसी के लिए हम एक दिन आयोजन करते हैं और गुरु ज्ञान को स्मरण करके गुरु प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो जितने गुरु हमें मिले हैं आज तक, उन सभी गुरुओं के उपकार को स्मरण करना है, और जिस गुरु के ज्ञान से हमारी भ्रांति दूर हो गई, अज्ञान अंधकार दूर हो गया, आत्मनात्म का बोध हो करके कल्याण का सही मार्ग मिल गया, अंदर आत्म तृप्ति आत्म संतुष्टि का अनुभव हो रहा है, ऐसे जो महासद्गुरु है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की आवश्यकता है। तो आज का जो पर्व हुआ था, ये पहली तारीख
मासी सत्संग में गुरु पूर्णिमा का पर्व जोड़ा गया, सभी गुरुओं के प्रति आभार कृतज्ञता और एक संकल्प लेकर कि हम गुरु के ज्ञान को अपने जीवन उतारने के साथ साथ जितना संभव दूसरों तक बांटते चलें, स्वयं गुरु ज्ञान को जीवन में जीना और उस ज्ञान को दूसरों तक बांटना, ये गुरु के उपकार का स्मरण करना है, उनके प्रति कृतज्ञ होना है और यही गुरु के ऋण से उऋण होना है। तो अपने अपने ढंग से, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, स्त्री हो सब पुरुष, अपने अपने ढंग से अपने अपने गुरु के ज्ञान का स्मरण करते चलें, जीवन उतारते चलें और जितना संभव हो दूसरों को बांटते चलें ताकि गुरु ऋण से उऋण हो सकें। यही गुरु पूर्णिमा मनाना का सार्थकता होगा। आप सब प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी गुरुओं के लिए आभार। अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।